मैम की नाम थोड़ा जी? मैं रजिंदर कौर मीमसा, श्रोमणी अकाली दल दे विच मुख सलाहकार इस्त्री विंग दे अहुदे ते कम कर रही हाँ। तो 3.5 साल तो मैं इस पार्टी दे नाल बनी हुई हाँ। सब तो पहला मैं सीनियर लीडरशिप अते मेरी इस्त्री भैणा जिन्हां ने मैनू पार्टी दे विच रहिंदे बंदा मान सत्कार दिता, मैं तह दिलों उन्हां दा धन्नवाद करदी हाँ ते हमेशा उन्हां दे प्यार दी ऋणी रहांगी। हुण अज मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं हाज़र नज़र मन के अपनी मुढ़ली मैंबरशिप दे नाल नाल इस पार्टी तो अस्तीफा दे रही हाँ, क्योंकि जिहड़ा 2015 दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप चोरी होया सी, उन्हां दे अंग है जिहड़े वह गलियां च खिलारे गए सी और इतराज़योग जिहड़े पोस्टर ने वह कंधां ते लाए गए सी उहदे नाल संबंध रखदा है। हाँ, अज मैं जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हाँ, कुछ मेरे पार्टी वर्कर कह रहे होणगे कि मीमसा पार्टी दी गद्दार है। हाँ, मैं गद्दार हो सकदी हाँ, मैं पार्टी दी गद्दार कहना ज़्यादा ठीक समझूंगी, मैं कौम दी गद्दार नहीं बनना चाहती, क्योंकि मरना सबने है। मरते हुए मेरे मन ते ये बोझ ना रहे कि जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब दा सरूप चोरी किया सी या फरीदकोट कोर्ट वल्लों वो इस टाइम पीओ डिकलेयर होए हुए ने, उन्होंने मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की रिहायश के उपर 2016 ते 2017 हूँ 2016 सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ने मैनू एक मैसेज किया कि तुसी साढ़े को दिल्ली आओ। जब मैं उन्होंने को दिल्ली पहुँची 2016 दिसंबर का अखीरला हफ्ता सीगा, मैं जब उन्होंने दिल्ली रिहायश से एंटर किया तो मैं देखा उत्थे दो डेरा प्रेमी बैठे हुए ने, जिहड़े दोनों डेरा प्रेमी दे विचों मैं हर्ष धूरी नूं बहुत वधिया तरीके नाल जानदी सी। जिहड़ा कि हर्ष धूरी हैगा वो ये शख्स हैगा जी, इसकी फोटो अज तक कभी भी जनतक नहीं हुई, इस करके लोगों नूं इस दे बारे बहुता पता नहीं हैगा, पर मैं इसनूं परसनल इस करके जानती सी क्योंकि मैं धूरी की वसनीक सीगी और ये नाल मेरा वधिया जान पहचान सीगी। ये मेरे कोल प्रूफ ने जिहड़े धूरी दे नाल रिलेटड ने, तो इस टाइम मेरी रिहायश बरनाले जिले के विच हैगी है। ये जिहड़े जगजीत सिंह हैगे हैं ये इन्हां नाल आंदे सी हर्ष धूरी नाल, और मैं इन्हां नूं सरदार सुखबीर सिंह बादल दी रिहायश दिल्ली 12 सफदरजंग रोड ते उपर 3 बार वेख्या। दिल्ली तां मैं बहुत बार गई होंगी पर मैं इन्हां नूं 3 बार वेख्या और मैनू नहीं पता सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं ये मेरे तो अलावा किन्नी क बार मिले होणगे। हुण जेकर गल करिए कि अज मैनू ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पै रही है, क्योंकि मैं जब देखिया कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जी बहुत ज़्यादा इसनों एक पोलिटिकल इशू लैके चल रहे ने बेअदबी के मैटर नूं, मैं समझिए जिते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैगे हैं उत्थे सियासत पार्टी होर सारे अहुदे एक पासे, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब का मान सत्कार सब तो पहला। हुण जब किसी सोर्सा राही उन्होंने पता लग्या कि मीमसा अज अस्तीफा देन चंडीगढ़ पहुँच रही है और इस बेअदबी के नाल रिलेटड भी कुछ तत्थ पेश करना चाहती है, तो उन्होंने एक दिल चंडीगढ़ दे मेरे खिलाफ पीसी की है सवेरे, जो मैनू जानकारी मिली है, पर मैनू नहीं पता उन्होंने उत्थे बोलिया की है ते वो मैनू किस तरह उत्थे पंजाब दे लोकां ते दूर नेड़े बसदे लोकां दे विच की कहना चाहते हैं। बट मैं गुरु साहब नू हाज़र नाज़र मन के कहनी हाँ कि मैं जो कह रही हाँ सच्चे पातशाह तुहानू पता है या सरदार सुखबीर सिंह बादल नू पता है या मैनू पता है कि सच की है। अगर सरदार सुखबीर सिंह बादल जी ये गल मेरी सुन रहे हैं तो वो मेरे नाल टेबल टॉक कर सकते हैं, मैं उन्होंने बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं विद डेट्स और विद फोटोज़, और वो ये गल तो झूठ नहीं बोल सकेंगे कि मीमसा और हर्ष धूरी वधिया जानते सी और मेरे सामने मिलते सी। उन्हों का रीज़न मैं हूँ तुहाडे सामने पेश कर दी हाँ। पहली बार जब मिले 2016 दिसंबर के लास्ट हफ्ते तो असी नीचे खड़े से जब एंटर किया तो सरदार सुखबीर सिंह बादल अपनी रिहायश तो बाहर आए, उन्होंने इन्हों देखते ही कहा कि यार फोन फान तो कर लिया करो, तुम मरवाओगे मैं किसी दिन। उस टाइम मेरे मन में यह क्वेश्चन आया कि 17 दी वोटां नेड़े ने, शायद प्रेमियों की वोटों की लोड़ होएगी इस करके इन्हों इतने सद्या होएगा। मैं कुछ नहीं बोली और मैं भी मिली और चुपचाप वापस पंजाब आ गई। फिर असी गए जब चोणा हो चुकिया सी, वोटां ही पै चुकिया सी, उस तो बाद असी सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं मिलन फिर दिल्ली गए। उत्थे मेरे जाने नूं इह जिहड़ा रूम हैगा उन्हां दे OSD दा रूम है, उत्थे जगजीत सिंह हैगे है एडमन ब्लॉक दे मुखी हैं डेरा सरसा दे जी, इन्हां दे नाल हर्ष धूरी बैठा सी, मैं भी बैठ के उत्थे चाह सांझी कीती और मैं इस करके फोटो उन्हां दे नाल अपनी नहीं लै सकी क्योंकि मैं मोबाइल ने
पिक खिंची सी तो मैं सैल्फी नहीं लैन गई सी ना मैनू इस दे नाल रिलेटेड कुछ पता सीगा कि इस मैनू सैल्फी लैन दी लोड़ है। ये फोटो मैं इस करके लई सी क्योंकि ये डेरा प्रेमी सी, मैनू ये लग रहा सीगा कि प्रधान जी दे बहुत नेड़े हैं, शायद कभी कोई कम आ जाए तो मैं इस बंदे बारे जानना चाहती सी। बाद च मैं इसकी जानकारी ली तो मैं पता लग्या ये जगजीत सिंह ने बठिंडे दे नेड़े कोई बालियां वाली पिंड हैगा उत्थे नाल संबंध रखते ने, तो डेरा सरसा दे एडमंड ब्लॉक दे इस टाइम मुखी ने, ये सारा कामकार उत्थे देख रहे हैं। और हर्ष धूरी नू तीन बार उत्थे मेरे सामने लैके आए सी सरदार सुखबीर सिंह बादल कोल। दूसरी बार जब प्रधान जी दे सामने असी मिले तो प्रधान जी इन्हों अंदर लै गए और इन्हें बंद कमरा मीटिंग हुई। मैं बाहर सी, मैनू प्रधान जी ने कहा मैडम तुसी इस तो बाद आ जाओ, उस तो बाद चले गए। मैं भी प्रधान जी ने मिली और मैं वापस पंजाब आ गई। तीसरी बार 2017 की है, कांग्रेस की सरकार बन चुकी सी, ये भी उत्थे गए हुए सी और मैं भी गई हुई सी। ये मेन रूम च बैठे सीगे, देखो मेन रूम दे विच तां मैं इन्हां दी फोटो लई नहीं बट मैं अपनी जरूर फोटो लई क्योंकि कह सकते हैं कि मेन रूम दे विच प्रधान जी फोटो नहीं करन दिंदे, वो मोबाइल है जिहड़े वह बाहर रख देंदे हैगे आ। तो मैं वो फोटो तुहाडे नाल शेयर कर सकदी हां कि इन्हां दा मेन ऑफिस है जिथे तुहानू पता लग जाएगा कि फोटो खिंचनी किन्नी प्रॉब्लम हैगी है, बट मैं फिर भी कोशिश की उस ऑफिस दे विच फोटो लैण दी। आ मेन ऑफिस है, इत्थे प्रधान जी बैठते हैं आ कुर्सी ते, ते इत्थे जो भी मिलने वाला संबंधित व्यक्ति वो बैठता है। इत्थे सामने एक सोफा लगे जिथे मैं बैठी हुई सी। हुण अगर मैं फोटो खिंचदी मेरे को कैमरा उस टाइम नहीं सी, ये उदों दी फोटो लई हुई है जब प्रधान जी उत्थे आए नहीं सीगे तो असीं अंदर बैठे सीगे। हुण जब प्रधान जी ने प्रधान जी ने एंटर किया तो दोनों खड़े हो गए और इन्होंने प्रधान जी नूं हथ मिलाते हुए कहा प्रधान जी कांग्रेस की सरकार बन गई साडा कुछ करो। तो प्रधान जी ने कहा कि मैनू पता है तुहानू जल्दी फोन आएगा तो आपां छेती मिलते हैं। हुण मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं तीन क्वेश्चन पूछना चाहनी जो मेरी शंका भी दूर होएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहब दा इंसाफ मंग रही है जिहड़ी गुरु नाम लेवा संगत, उन्हां नूं भी इसकी सच्चाई पता लगेगी। उहदे च पहला क्वेश्चन ये है कि जदे तुहानू पहली बार हर्ष धूरी मेरे सामने मिले तो तुसीं क्या यार फोन फान कर लिया करो सानू मरवाओगे, तुसीं ये गल क्यों कही। दूसरा, इन्होंने क्यों कहा कि कांग्रेस की सरकार बन गई है जी और वोटां पै चुकियां ने साडा कुछ करो, और तुसीं ये क्यों कहा कि यार तुहानू फोन आ जाएगा तुहाडा करता आपां छेती मिलदे हां। अगर तुसीं हुण मीडिया दे विच कह रहे हो कि मैं अगर दुखियां नूं जानदा हुंदा मैं जरूर हैल्प करदा, प्रधान जी तुहानू पता सी हर्ष धूरी है उते FIR होई हुई है श्री गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप चोरी करन दे संबंध दे विच। PO तां उह हुण डिक्लेयर होया ना जी, उस टाइम तां परचा दर्ज होया होया सी, तुहाडी सरकार सी 15 च वी ते 16 दे विच वी, और उस टाइम इह बेअदबी होई हैगी है, फिर तुहाडे संपर्क च क्यों सीगे। मैनू और पंजाब दे लोकां नूं इह जवाब चाहीदा है कि हर्ष धूरी नाल तुहाडा की संबंध सी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਪਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਜੀ 2016 ਦੇ ਡਿਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੀ
2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, 18 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਈਵਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਪਥੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ SIT ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸੋਲ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ SSP ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ID ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, 2016 ਨਹੀਂ ਜੀ, 2008। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ ਆਏ ਸਵੇਰੇ ਅਜੀਤ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਾ SIT ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ 3 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਅਪਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਨੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, SSP ਆਪਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੋਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜੀ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਉਂ, ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਨਕਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਦੇਖੋ PO ਤਾਂ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ।
कोई सियासी बंदा कभी भी सरकार छड़ के नहीं आता हूँ, पर मैनू शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब का ही कोई आदेश से, कोई बहाना से, उन्होंने यह जे हालात बनाए कि मैं अकाली दल चली गई और थोड़े टाइम के सारा कुछ मेरे सामने है। देखो जी, लगातार मैनू काफ़ी फोन आ रहे हैं उन्होंने बंद और मेरे को फोन सारे लिस्ट के है, पर मैं 3 दिन तो फोन स्विच ऑफ इस करके कराया हुआ है क्योंकि साढ़ा एक परिवारिक मैंबर डेंगू ना काफ़ी सीरीयस कंडीशन से चल रहा है, तो अज भी वह उन्होंने PGI लैके आए थे। मैं उधर उलझी हुई सी, तो उन्होंने ये लगे शायद मीम साहब कोई गलत स्टैप ना चकते, इस तो पहले ही असी कुछ ना कुछ पैरवाई कर ली। देखो जी, जब भी कोई सच्चाई आपने सामने लैके आने की कोशिश की है समाज के है ना, तो वह हमेशा कुरबानियाँ लेंदी होंगी है, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी सके उन्होंने 10वें गुरु ग्रंथ साहब आपां नूं दित्ते उन्होंने सत्कार करने वास्ते, तो उन्होंने भी परिवार वारिया और कुरबानियाँ दित्तियां। मैं समझती हाँ जब भी कोई बंदा सच बोलता है तो वह हमेशा गला घोटिया जाता है या उन्होंने चुप कराया जाता है, तो मैं उस गिद्दड़ भगतियों तो डरन वाली नहीं हैगी। अज मैं मीडिया राही कह रही हाँ, जो भी श्री गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत करता है, उसनों मनता है और उसका डर मनता है, वो दिते श्वास लै रहे खा रहे हैं, तो वह कभी भी इसके उपर गलत नहीं बोलेगा और मैनू टिप्पणी गलत नहीं करेगा। जब मैं पता लगे घट्टो घट मैं बोली तो सही, जानते तो होर भी लोग हो गए। देखो जी, जिहड़ी ये गल हैगी है मैं स्पष्ट करदा, एक्चुअली जिहड़ा ये प्रोसैस सी ये 3-4 महीने तो चल रहा सीगा, मैं SIT दे संपर्क च सीगी, ना कि मैं किसी पार्टी दे संपर्क च सी। मैं SIT नूं कहा सीगा देखो मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती, मैं कोई पार्टी तो इस्तीफा नहीं दे रही हैगी, तुहानूं मेरी कित्थे भी मदद होई मैं तुहाडे वास्ते हाज़र हाँ, क्योंकि इत्थे गल श्री गुरु ग्रंथ साहब की है, नॉट ए सियासी पार्टी की या मीम साहब का सियासी कैरियर। कैरियर फिर बन जाएंगे जे गुरु महाराज चाहणगे, हिले सबीले हो जाते हैं, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपमान है जिहड़ा लोगों ने किया उसका इंसाफ भी तो आप उड़ीक रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कहती है कि श्रोमणी अकाली दल जिम्मेवार है, देखो पार्टियां सारी अपनी अपनी जगह ठीक होंदियां ने। देखो मैं ये जरूर कह रही हूँ कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं 3 बार मिले और 3 बार मेरे सामने मिले हैं, मैं ये चीज़ भी कह सकती हूँ, गरंटी दे सकती हूँ। देखो जिम्मेवार तो कोर्ट ने देखना है ना, उसके वास्ते मैं कौन हूँ, वाहगुरु ने देखना है, वाहगुरु आप ही बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी हैगी, पंथक पार्टी हैगी है, मैं उसनूं सुखबीर सिंह बादल जी वालों कराया गया है, ये तुसीं कहना चाहोगे? ये तो उही दस सकते हैं जी, जब आप तुसी उन्होंने सवाल करोगे। नहीं मैं मैं ये जरूर अज भी कह रही हूँ, नहीं मैं इस्तीफा इस करके दे रही हाँ क्योंकि वो हुन मेरे मेरे मतलब फैमिली दे विच मैनू डिप्रेशन च पाना चाहते हैं, मतलब कि मेरे तो दबाव बनाना चाहते हैं कि शायद मीम साहब टिकट नहीं मिली। जिस दिन मैं पार्टी ज्वाइन की थी चन्नी चरणजीत सिंह बराड़वीर जी, तुहानू खुद पता होगा, तुहानू मैं भरा मनिया सी, ते तुसी कहा सी मीम साहब कोई टिकट दी आस, मैं कहा जी नहीं वीर जी, टिकटां तां 10 साल मैं कांग्रेस तो नहीं लै सकी, तुहाडी तां पार्टी च हुण ज्वाइन कीता। मैं कसम नाल कह रही हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहब की सौंह खा के कह रही हाँ, मैं कोई टिकट की उम्मीद लैके या कमिटमेंट करके पार्टी च नहीं गई सी, ये मेरे वर्कर भी जानते हैं और मेरे जिन्हें वर्कर टीम ने मेरे नाल काम किया उन्होंने भी पता है ये गल का।